वेलकम टू एक स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बी प्रोग्राम सेमेस्टर फाइव से जो आपका डी सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स एंड थीरीज इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं या ये समझ लो कि बस अगर आप इतना करके जाते हो तो पास तो आप आराम से हो जाओगे और साथ ही साथ आपका अच्छा स्कोर भी आ जाएगा क्योंकि पोल साइंस में चार क्वेश्चन करने होते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है तो आप क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बहुत ही आपका काम आसान करने वाला हूँ इस वीडियो में क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिखा दूंगा आपके जो जो अभी तक आए हैं

सो so, सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाना शुरू करता हूँ फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा आप सिर्फ उनको पढ़ के जा सकते हो अगर आपने अभी तक ज्यादा नहीं पढ़ा कुछ भी सो डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अप्रोचेस दूसरा है टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये दो क्वेश्चन आ रखे हैं तीसरा क्वेश्चन है ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और जो हर्बर्ट की डिसीजन मेकिंग थ्योरी है ये पूछा गया है फिर है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ठीक है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का क्वेश्चन आ रखा है पांचवा है फ्र जो फ्रेड रिक्स की इकोलॉजिकल ठीक है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो बताना है आपको क्या है सिक्स है पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी आर टू टूच अदर डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ये क्वेश्चन आ रखा है फिर एक और क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने इसमें देखते हैं वट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस इट्स इट्सियल अप्रोच यानी कि दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है ध्यान रखिएगा फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे एवोल्यूशन हुआ एज अ डिसिप्लिन ये आ रखा है तीसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है दूसरी बार आ रहा है याद रखिएगा फोर्थ है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फिर है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपको बताना है वट इज पब्लिक पॉलिसी डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फिर आगे बढ़ते हैं एक और पेपर है पब्लिक uh, एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग स्कोप एंड रेलेवेंस थ्री टाइम्स आ चुका है फिर उसके बाद है क्लासिकल थियोरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड क्वेश्चन है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये भी आपका दो बारी आ चुका है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दो बारी आ चुका है ठीक है पब्लिक पॉलिसी क्या है ये भी आपका दूसरी बार देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं वो पूछा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये एक नया पेपर है ठीक है ये यहाँ पे फोर्थ बारी आ रहा है ये क्वेश्चन ठीक है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस फिर तीसरा है क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दूसरी बार पूछा जा रहा है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आपकी तीसरी बारी आ रही है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तीसरी बार आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर uh, आगे चलते हैं फिर है पब्लिक पॉलिसी क्या है तीसरी बार देखने को क्वेश्चन मिल रहा है मॉडल्स uh, बताने हैं पब्लिक पॉलिसी के अगले क्वेश्चन में और शॉर्ट नोट्स में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भाई चार बारी आ रहा है डिसीजन मेकिंग थ्योरी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये भी आपका लगभग चार बारी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करता है अभी the तक जितने पेपर देखे हैं हर्बर्ट साइमन की रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी ये आपको तीन बार देखने को मिल चुकी है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भाई चार से पांच बार आ चुका है अभी तक ये फिर है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये भी आपकी चार बार आ चुकी है पब्लिक पॉलिसी का मीनिंग क्या है और ये सब भाई ये भी फोर्थ बार आ रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है पेपर में फिर एक और नया पेपर है अब हमारे सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस और स्कोप मीनिंग ये भाई अब आप आपका पांच बार हो चुका है जो रिपीट हो रहा है एज अ डिसिप्लिन कैसे वोल्यूशन हुआ है ये दूसरी बार आ रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपकी चार बार आ चुकी है ये रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी आपकी लगभग चार बार हो चुकी है और डिस्कस द टाइम एंड स्पेस डायमेंशन इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चार बार ही आ चुका है आपका पब्लिक पॉलिसी लगभग ये पांचवी बार है ये क्वेश्चन एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये भी दूसरी बार ही आ रहा है आपका और शॉर्ट नोट्स में है जो दिया हुआ है पी ओ एस डी सी ओ आर बी इसके ऊपर पूछा गया है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पे पूछा गया है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भाई पांच बारी आ चुकी है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ये भी आपका दो से तीन बारी क्वेश्चन देखने को मिला है अब जो मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज़ किया है जितना पेपर को आपको बता देता हूँ इन क्वेश्चन को करके जाना पक्का यही आपके आने के चांसेस हैं पहला तो ये वो डू यू मीन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है इसके जो अप्रोचेस हैं इसको अच्छे से पढ़ के जाना इस टॉपिक को ये पहला ही क्वेश्चन आएगा आपका दूसरा है टेलर थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये काफी बारी रिपीट था क्वेश्चन सो so ये हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है फिर है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ठीक है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा गया है फिर वॉट इज पब्लिक पॉलिसी इसका स्कोप सिग्निफिकेंस क्या है ये भी बार बार पूछा गया है चार क्वेश्चन होकर पांचवां है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में तो आप अपना जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही लेना पर अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा एक दिन पहले दो दिन पहले पढ़ के जा रहे हो तो आप इन क्वेश्चन को तो पहले कर लेना ठीक है बाकी अगर टाइम बचता है तो और भी देख लेना पर इनको करके ही जाना है अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें जय हिंद जय भारत